गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है टेंसर्स। ये एक नया चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेंसर्स को हम हिंदी में कहते हैं प्रदेश। प्रदेश राशियों के बारे में आज हम हमारे लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो प्रदेश राशियों को स्टडी करने से पहले हम एक बेसिक डिस्कशन करते हैं। इससे पहले भी, प्रदेश राशियों से पहले भी आप दो तरीके की क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। जब आप किसी चीज़ के मैग्नीट्यूड के परिमाण के बारे में ही बात करते हैं तो वो राशि आपकी अदिश राशि कहलाती है। और जब आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं, यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बात करते हैं, तो वो आपकी सदिश राशि कहलाती है। जैसे दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि आप उसमें सिर्फ परिमाण की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। और विस्थापन जो होता है वो आपकी एक सदिश राशि होती है क्योंकि दूरी के साथ साथ आप डायरेक्शन की भी बात करते हैं, डिस्टेंस के साथ साथ आप डायरेक्शन की भी बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए या इससे मॉडिफाइड, इन दोनों की मॉडिफाइड फॉर्म में अगर लेती हूँ तो वो आपकी क्या होती है, एक प्रदेश राशि होती है, एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अभी तक अधिकांश भौतिक राशियाँ अदिश या सदिश रूप में विचार की जा, मतलब अभी तक आपने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी, जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा, आपने एक्सीलरेशन पढ़ा, आपने डिस्टेंस पढ़ा, आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा, आपने फोर्स के बारे में पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं या स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, अदिश राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ होती है। पर अब आज हम एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि है टेंसर, जो कि आगे आने वाली स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है और उनकी हमें ज़रूरत भी पड़ रही है, क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को अदिश और सदिश तक कन्फाइंड करके नहीं रख सकते, हमें उनका एक मॉडिफाइड फॉर्म की भी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हमें किसी चीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा दिशाओं की ज़रूरत पड़ी, एक से ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, तो हमने एक नई फॉर्म निकाली जिसे हमने बोला टेंसर। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, मैंने आपको बताया, जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है तथा दिशाओं पर निर्भर नहीं करती, उसमें डायरेक्शन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती ही नहीं है, दिशाओं पे कभी भी वो निर्भर नहीं करती, सिर्फ उसमें परिमाण का ही महत्व होता है। जैसे कि आप द्रव्यमान, मास की बात करते हैं, तो मास क्या है, इसमें डायरेक्शन कभी भी नहीं आएगी, दिशा आएगी नहीं, वो एक आपकी अदिश राशि है। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ, पर जो सदिश राशि होती है आपकी, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, डायरेक्शन को भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप फोर्स की, बल की बात करते हैं, तो आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स किसी भी चीज़ पे लगाओगे तो वो जो चीज़ है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो वो एक सर्टन डायरेक्शन में मूव करेगी, किसी भी रैंडमली किसी भी दिशा में नहीं चली जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपने बल लगाया है, फोर्स लगाया है, उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो बल के साथ हमेशा डायरेक्शन होती है, फोर्स के साथ हमेशा डायरेक्शन होगी, फोर्स की आपको डायरेक्शन हमेशा बतानी पड़ेगी, तो फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे बल में एक निश्चित दिशा में परिमाण होता है। अदिश तथा सदिश राशियों का व्यापक रूप, मैंने आपको बताया अदिश और सदिश राशियों का जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है वो फॉर्म आपका क्या कहलाता है, जिसके द्वारा भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सकता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें आपकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हमें चाहिए, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक अदिश और सदिश राशि का एक व्यापक रूप, एक मॉडिफाइड फॉर्म स्केलर और वेक्टर का चाहिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रदिश कहते हैं। अतः अदिश तथा सदिश राशियाँ प्रदिश का ही एक अन्य रूप है, मतलब दे आर, अदिश और सदिश से प्रदिश अलग नहीं है, पर इसी का एक फॉर्म है, पर इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है, एक व्यापक रूप है। प्रारंभ में प्रदिश का विकास गॉस, लेवी, कैविटा, रेमान, क्रिस्टोफर, रिक्की आदि ने, मैथमेटिक्स में आपने सारे नाम सुने होंगे, क्रिस्टोफर सिंबल, रेमान थ्योरम आपने पढ़ा है, रिक्की थ्योरम्स आपने पढ़ी है, तो ये गॉस थ्योरम आपने पढ़ी है, तो इन्होंने प्रदिश राशियों का शुरू में थोड़ा बहुत यूज़ किया था, परंतु बाद में प्रदिश विश्लेषण का चयन बहुत है, पर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे टेंसर क्वांटिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा। तब आइंस्टीन ने इसका उपयोग फिर
सब आप आइंस्टीन तो बहुत फेमस थे, तो आइंस्टीन ने 1905 में आपेक्षिता के सामान्य सिद्धांत, आपने रिलेटिविटी के पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, तो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, आपने दो थियोरीज पढ़ी हैं, अभी भी हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी होती है और स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी होती है। तो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी सामान्य सिद्धांत जो था आपेक्षिता का, उसमें आइंस्टीन ने इसका सबसे पहले यूज़ करा या इसको इसका विकास इस टेंसर को यूज़ करते हुए रिलेटिविटी थ्योरी को एक्सपेंड किया, उसका विकास किया। अब प्रदेशों का उपयोग सैद्धांतिक भौतिकी की कई शाखाओं में और आइंस्टीन के यूज़ करने के बाद आपके फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस में, बहुत सारी शाखाओं में टेंसर का यूज़ होने लगा, जैसे कंटिन्यूम मैकेनिक्स, जैसे सात्यंतक भौतिकी, द्रव्य यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो जितनी ब्रांचेज हैं इनके अलग अलग पेपर्स आपने पढ़े हैं, आपने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स जनरली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स आपने पढ़ा है, तो इन सब में हम टेंसर का यूज़ करने लगे। कई शाखाओं में जैसे सात्यंतक भौतिकी, द्रव्य यांत्रिकी, प्रत्यास्थता, विद्युत चुंबकीय में होने लगा। प्रदेश का उपयोग विषम दर्शक माध्यम में, अब मैं इसका एग्जांपल आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं इसी चीज़ को हिंदी में एक बार बच्चों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं फिर भी इसको एक बार रीड आउट कर देती हूँ। स्केलर इज़ अ क्वांटिटी सच एज मास ऑफ द पार्टिकल विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बोला दो तरीके की क्वांटिटीज़ के आपके बारे में आपने अभी तक पढ़ा है, आपने स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड का यूज़ होता है, परिमाण का यूज़ होता है, जैसे कि मास, मास में सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होती, एंड रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब मास ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में, दिशा में ले जाएं, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि वो दिशा के साथ वेरी नहीं कर रहा, यानी कि वो एक अदिश राशि है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी सच एज फोर्स विच हैज़ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब वेक्टर जो है एक डायरेक्शन में उसका एक वैल्यू होगी, दूसरे डायरेक्शन में उसकी दूसरी वैल्यू होगी, लेकिन डायरेक्शन के साथ आपका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर दैट डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज, मॉडिफाइड फॉर्म या जनरलाइज्ड फॉर्म जो व्यापक रूप जो होता है आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का, उसको हम क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। हैंस स्केलर एंड वैक्टर्स आर अदर फॉर्म ऑफ टेंसर। तो हम कह सकते हैं कि जो स्केलर और वैक्टर क्वांटिटी है वो भी आपकी क्या है, टेंसर की ही एक फॉर्म है। The need of tensor formalism can be explained by the physical quantity, the electrical conductivity in an isotropic medium. अब मैं आपको इसको example से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आपने एक चीज़ के बारे में पढ़ा है विद्युत चालकता, तो जो विद्युत चालकता है उसका example लेके हम इसको समझा सकते हैं tensor को। और विद्युत चालकता हम दो तरीके के माध्यमों में discuss करेंगे, दो तरीके के mediums में discuss करेंगे। एक है आपका समदैशिक यानी कि आइसोट्रोपिक मीडियम, और एक होता है आपका विषम दैशिक यानी कि एन आइसोट्रोपिक मीडियम। अब ये दो मीडियम्स कौन कौन से होते हैं, आपका जो समदैशिक माध्यम होता है, एन आइसोट्रोपिक मीडियम होता है, उसमें आप कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर लेते हो, भौतिक संख्या आप कोई लेते हो, जैसे आपने वेलोसिटी लिया या आपने एक्सीलरेशन लिया, तो वो आपका डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, उस पर्टिकुलर वैल्यू, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है, उस भौतिक राशि की जो मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा दिशा के साथ, जितना था एक दिशा में उतना ही दूसरे दिशा में रहेगा। यानी कि वो जो माध्यम है जिसमें दिशा का फर्क नहीं पड़ रहा है, उस माध्यम को आप क्या कहते हो, समदैशिक माध्यम, आइसोट्रोपिक मीडियम हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं एनआइसोट्रोपिक मीडियम, तो इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो आपका एनआइसोट्रोपिक मीडियम होगा, यानी दिशा के साथ साथ, एक्स डायरेक्शन में कुछ और, वाई डायरेक्शन में कुछ और, जेड डायरेक्शन में कुछ और, तो दिशा के साथ साथ आपका क्या होगा उस फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे मैंने वेलोसिटी का एग्जांपल लिया, तो उसके मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो आपका मीडियम कैसा होगा, एनआइसोट्रोपिक मीडियम।
तो आइसोट्रोपिक मीडियम में तो हम टेंसर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो विद्युत चालकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसको हम डिस्कस करेंगे पहले समदैशिक माध्यम में और फिर उसको विषम दैशिक माध्यम में हम डिस्कस करेंगे। तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम में हम बात कर रहे हैं। आपकी ये जो है जे, ये आपकी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है, और सिग्मा एक कांस्टेंट होता है, और ई आपकी क्या होती है, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने बोला है प्रदेश का उपयोग विषम दैशिक माध्यम में विद्युत चालकता द्वारा समझा जा सकता है, निम्न संबंध द्वारा परिभाषित करते हैं, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। समदैशिक माध्यम में विद्युत चालकता सभी दिशाओं में समान रहती है। मैंने आपको बताया ही था कि जो समदैशिक माध्यम होता है, आइसोट्रोपिक मीडियम होता है, उसमें डायरेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ता है, दिशा का फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी दिशा में चले जाइए, आप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि समदैशिक माध्यम में विद्युत चालकता सभी दिशाओं में समान रहती है, सब डायरेक्शंस में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ई, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जे आपकी करंट डेंसिटी है और ई आपकी विद्युत चालकता है। अतः इस स्थिति में यह एक अदिश राशि, अब जब डायरेक्शन के साथ कोई चेंज ही नहीं हो रहा है विद्युत चालकता में, तो हम इसको एक अदिश राशि भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के साथ चीज़ में कोई वैरी नहीं हो रहा। वैसे जे और ई पे आपका वेक्टर साइन लगा हुआ है, तो ये आपकी डायरेक्शन को इन्वॉल्व करता है। बेसिकली दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, पर इस सिचुएशन में जब डायरेक्शन का इस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको एक अदिश राशि भी कह सकते हैं। तथा विद्युत धारा, करंट डेंसिटी को हम कहते हैं विद्युत धारा घनत्व, जे प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र ई के समानुपाती होता है। अब आपने देख रहे हो कि जे जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी जो है, विद्युत धारा घनत्व जो है, वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, यानी कि जैसे जैसे ई में चेंज हो रहा है वैसे वैसे उतना ही आपका जे में भी चेंज होगा। तथा जे तथा ई के परिमाण सभी दिशाओं में समान रूप से परिवर्तित होते हैं। और हम कह रहे हैं कि आइसोट्रोपिक मीडियम है, तो आइसोट्रोपिक मीडियम तभी होगा जब चीज़ में कोई चेंज नहीं होगा। अतः जे तथा ई सदिश राशि होती है। अब डायरेक्शन की बात कर ली ना हमने, मैंने आपको बोला जे एंड ई इज ओवरऑल अ वेक्टर क्वांटिटी, पर डायरेक्शन के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्शन लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं होता, पर हम जे का ई के साथ चेंज बता रहे हैं। तो जिस तरीके से ई जिस डायरेक्शन में वैरी कर रहा है, जितना वैरी कर रहा है उतना ही आपका जे वैरी कर रहा है। तो जे और ई वैसे तो क्या है, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि चालक विषम, यही चीज़ हम इंग्लिश में एक बार रीड आउट कर लेते हैं, इन आइसोट्रोपिक मीडियम कंडक्टर्स, आइसोट्रोपिक कंडक्टर की बात हो रही है, चालक, आइसोट्रोपिक चालक कंडक्टर की बात हो रही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, देयरफॉर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे जे एक आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आप वेक्टर साइन लगा रहे हो, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर सिंस इट इज़ नॉट चेंजिंग विद द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के साथ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हुई। इन आइसोट्रोपिक मीडियम द करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया कि जे जो है करंट डेंसिटी है वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड ई बोथ चेंजेस साइमल्टेनियसली, जितना ई में चेंज हुआ उतना ही जे में, तो वो इसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आप जे और ई का एक ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस को लेते हुए, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे बी इज इक्वल टू आई आर का बनाते हैं, इन इक्वल प्रोपोर्शनल विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन इन आइसोट्रोपिक मीडियम। जे एंड ई आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी इफ द कंडक्टर इज एन आइसोट्रोपिक। अगर आपका जो चालक है वो कैसा है, विषम दैशिक है, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ जे एंड ई चेंज इन डिफरेंट वे। तो आपका डायरेक्शन के साथ आपकी क्या होगी, जे और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, पर अब यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रेंट था, ये हमने इस पे कंडीशन जो लगाई थी कि भाई डायरेक्शन का इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपका माध्यम विषम दैशिक है तो ये एक्स डायरेक्शन में किसी और तरीके से चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में किसी और तरीके से चेंज होगा, और जेड डायरेक्शन में किसी और तरीके से चेंज होगा, अलग अलग प्लेन्स में अलग अलग तरीके से चेंज होगा, इसका वेरिएशन चेंज होगा। डस सिग्मा चेंजेस इन सच अ वे, पर ओवरऑल जे बाय ई जो जे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ई में हो रहा है उतना ही जे में होगा, रिलेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू चेंज हो रही है, पर
इन दोनों का मान इस तरीके से, मैग्नीट्यूड इस तरीके से वेरी होगा कि जितना ई में हो रहा है उतना ही जे में होगा। तो सिग्मा क्या करता है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर चेंज करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। डस सिग्मा चेंजेस इन सच अ वे दैट इट कंपनसेट द चेंज, क्योंकि सिग्मा क्या है, जे बाय ई इज इक्वल्स टू सिग्मा। तो सिग्मा हम कह रहे हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपका माध्यम नहीं चेंज हो जाता। तो जब माध्यम वही है, पर माध्यम कैसा है, समदैशिक नहीं है, विषम दैशिक है, तो माध्यम में डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है। तो सिग्मा इस तरीके से वेरी करेगा कि जे बाय ई का मान क्या रहे, कांस्टेंट, यानी कि जे बड़ा तो ई कम हो गया और ई बड़ा तो जे कम हो गया, पर सिग्मा की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब सिग्मा इन दोनों को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, या सिग्मा कांस्टेंट है इसलिए सिग्मा चेंज नहीं होगा, जे और ई का मान इस तरीके से वेरी रहेगा कि सिग्मा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इट कंपनसेट द चेंज इन सच कंडीशन द क्वांटिटी जे हैज द। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली, मैं आपको हिंदी में भी इसको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, तथा यदि चालक विषम दैशिक है तो जे तथा ई के परिमाण तथा दिशा दोनों पृथक रूप से परिवर्तित होते हैं, अतः सिग्मा इस प्रकार परिवर्तित होता है कि इस परिवर्तन का समायोजन कर सके, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है। इस स्थिति में सिग्मा का रूप, अब सिग्मा जो है उसको आप अगर आप इस तरीके से चाह रहे हो कि वो जे और ई के मान को कंपनसेट करे, समायोजन कर सके, तो हमें सिग्मा की, हम ना तो उसको एक स्केलर क्वांटिटी ले सकते हैं ना ही हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हैं, हमें इसका कोई ना, हमें चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आप एक डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं हो सकते, या हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, तो हमें सिग्मा को किस तरीके से लिखना पड़ेगा, टेंसर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, प्रदिश राशि के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ही ये जो आपकी कंडीशन है वो विषम दैशिक माध्यम में सपोर्ट कर पाएगी, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए जब हम टेंसर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जे एक्स, और देखिए जे एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ई एक्स भी आ रहा है, ई वाई कॉम्पोनेंट भी आ रहा है, ई जेड कॉम्पोनेंट भी आ रहा है, सिग्मा वन वन, सिग्मा वन टू, सिग्मा वन थ्री, 2-1, 2-2, 2-3, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, और ये इनके कंपोनेंट्स बता रहे हैं अलग अलग प्लेन्स में। तो ये जो होती है फॉर्म सिग्मा की, ये क्या है, एक टेंसर फॉर्म है। ये देखिए, ये मैंने फिनिश, वेयर जे एक्स, जे वाई, जे जेड एंड ई एक्स, ई वाई, ई जेड आर कॉल्ड कार्टिशियन कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर जे एंड ई, एंड सिग्मा आई जे इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हिंदी में मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ, जहाँ पे जे एक्स, जे वाई, जे जेड, ई एक्स, ई वाई, ई जेड क्या है, कार्तीय, कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तीय निर्देश तंत्रों में सदिश जे और ई के क्या हैं, घटक हैं, इसके कॉम्पोनेंट्स ही हुए अलग अलग डायरेक्शंस में। और सिग्मा जो है, जिसमें आपका 1-1 कॉम्पोनेंट आ रहा है, 1-2 कॉम्पोनेंट आ रहा है, 1-3 कॉम्पोनेंट आ रहा है, 2-1 कॉम्पोनेंट आ रहा है, ये क्या है, क्योंकि ये ई के साथ आ रहे हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालक के घटक हुए। इस प्रकार प्रदिश सामान्य तौर पर गणितीय राशियां होती हैं, जिससे माध्यम के भौतिक गुणों का वर्णन करने के लिए अदिश तथा सदिश की तरह उपयोग किया जाता है। तो इससे हमने क्या चीज समझी, हमने ये समझी कि जैसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, गणितीय राशियां हैं, गणितीय भौतिक राशियां हैं, जो कि माध्यम के, किसी भी मीडियम के फिजिकल जो फीचर्स होते हैं, भौतिक जो गुण होते हैं, जो भी माध्यम के गुण होते हैं, उनको समझाने के लिए काम में ली जाती है। भौतिक गुणों का वर्णन करने के लिए अदिश एक प्रदिश राशि, जैसे हम अदिश और प्रदिश राशि, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को फिजिकल कंपोनेंट्स निकालने के लिए यूज़ में करते हैं, भौतिक गुणों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ में लेते हैं, वैसे ही हम एक टेंसर को भी यूज़ में ले सकते हैं। ये भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की तरह आपकी एक मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटी ही है, यानी ये स्केलर और वेक्टर का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है, या मॉडिफाइड फॉर्म है। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।